Good morning, student. A very welcome of to plus one class to all the students. आज हम अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं. फिजिक्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ कि जब हम छोटे थे जब हमने ए बी सी सीखा तो हमें ए लिखने में प्रॉब्लम आती थी. तो हमें क्या क्या हाथ पकड़ के हमने क्या सीखा कि ए कैसे लिखते हैं. उसके बाद आस्ते आस्ते हम ए बी सी लिखना सीखा, हिंदी लिखना सीखा. वैसे ही अब आपका सिलेबस जो है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है. अब यू आर इन सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो इस लेवल पे आपको आपका मेहनत करनी पड़ेगी. एक बारी में कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, उस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है क्योंकि आप ये नए टॉपिक्स है. अब मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ आपने कौन सी बुक्स लगानी है, आपका सिलेबस कैसा रहता है, पेपर पैटर्न कैसा रहता है, उसको डिस्कस करते हैं. प्लस वन फिजिक्स के अंदर हम एस दिनेश का इस्तेमाल करेंगे. जो एस दिनेश की बुक होगी वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगी. जो टोटल यूनिट्स रहती हैं आपकी वो 10 रहती है, ठीक है. जो मार्क्स होते हैं टोटल मार्क्स वो 100 रहते हैं, जिसमें थ्योरी पोर्शन आपका 60 का रहता है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका 25 का और इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स की रहती है. उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है. फर्स्ट आपके एमसीक्यू आते हैं, ये 8 आते हैं. उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 9 to 16 क्वेश्चन आते हैं. 1 to 8 आपके एमसीक्यू, 9 to 16 तक आपके जो कवर करते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कवर करते हैं. और उसके बाद आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं जो कि 3 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है. मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं 1 मार्क, ये 2 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है. उसके बाद आपके पास 17 to 24 ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं. एंड देन वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें डेरिवेशंस वगैरह मिक्सिंग ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो 24 to 27 रहते हैं, ठीक है. ये 4 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं. ये जो आपको पैटर्न बताया जा रहा है ये प्रेजेंट पैटर्न के साथ जो अब तक पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग है. अभी तक पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है. मैं बताता हूँ फिर 1 to 8 मतलब 8 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, 9 to 16 2 मार्क्स के आएंगे और 17 to 24 3 मार्क्स के आएंगे और 24 to 27 4 मार्क्स के आएंगे और टोटल एग्जाम में पेपर 60 मार्क्स का रहेगा. ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है. थैंक यू.